जल्द ही राज्य और केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, ऐसे में कुछ लोगों को मौका मिलेगा। इसका फायदा उठाकर विधायकों से पैसों की मांग की गई, जिसमें विधायक विकास कुंभारे ने भी पैसों की मांग की गई है, ऐसी बात कही। इससे संदेह आने पर उन्होंने तहसील पुलिस थाने में मामला दर्ज किया, जिसके बाद नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात के मोरवी से आरोपी को हिरासत में लिया है। ऐसी जानकारी नागपुर गुन्हे शाखा के पुलिस उपायुक्त मुमक्का सुदर्शन द्वारा दी गई। दरअसल पूरा मामला ऐसा है कि जेपी नड्डा के निजी सहायक होने का दावा करते हुए विधायकों से उन्हें मंत्री पद दिलाने के लिए पैसे की मांग की गई थी। नागपुर के बीजेपी विधायक विकास कुंभारे बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर के पास कुछ दिन पहले एक फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा कि उसका नाम नीरज सिंह राठौड़ है और वह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के निजी सहायक बताकर मंत्री पद के लिए पार्टी फंड के रूप में करोड़ों रुपए की मांग कर रहे हैं। देखो, 7 तारीख से MLA साहब को फ़ोन आना शुरू हो गया। सर ने हमको बताया था कि सर ऐसा मेरे को फ़ोन आया है, तो हम जो फ़ोन आया तो उसका विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि फ़ोन करके बोला मैं जेपी नड्डा साहब का PA हूँ और आप आमदार है, आपको मंत्री पद देने के लिए नड्डा साहब तैयार है करके स्टार्ट किया। तो बार बार फ़ोन करना शुरू किया। कल 16 तारीख तक ऐसे फ़ोन कंटिन्यूसली आ रहा है और उसमें ऐसे बोला कि तेरे को मंत्री पद देना चाहते हैं, आपको कौन सी मंत्री पद चाहिए, और ये बोला कि कुछ नहीं बताया MLA साहब को। डाउट आया कि ये बंदा कुछ तो चीटिंग करने के प्रयत्न में अगर, और बोला कि वडोदरा में हमारा संघ का कुछ तो शिविर लेने वाला है, शिविर में 2 दिन का खर्चा आप लोग कर लिए। और उन्होंने क्या किया, जेपी नड्डा साहब का आवाज़ में बोला कि जेपी नड्डा साहब बात करेंगे करके फ़ोन उन्होंने खुद वॉइस चेंज करके बात किया होगा, वो निष्पन्न हो जाएंगे तपास में। वो बोला कि 2 दिन का कार्यक्रम है, 2 दिन का खर्चा कर लो। उसने ऐसे बोला कि 1.67 ट्रांसफ़र करो करके एक QR कोड भेजा है। QR कोड भेजने के बाद हमने चौकसी शुरू किया, हमको पता चला कि ये चीटिंग का मामला है। कल आरोपी को ताब्यात लेने के बाद पता चला कि ये प्योर चीटिंग करने वाला बंदा है करके, तो अभी वो नागपुर लेने वाला है। हम नागपुर आने के बाद इंट्रोगेशन में निष्पन्न हो जाएंगे कि वो किस किस को फ़ोन किया, अभी तक कितने लोगों से पैसे लिया, बट इसमें पैसे ट्रांजेक्शन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चीटिंग करने का प्रयत्न हुआ है। तो उसने हमने चीटिंग को रोक दिया है। लगता है कि MLA साहब तो ज़्यादा अलर्ट होके हमको बताया था, नहीं तो कई लोग कितना लोग पैसे दिया क्या दिया वो तो पूरा चौकसी में निष्पन्न हो जाए। वो एक्चुअली उनका एनालिसिस इंट्रोगेशन में पता चलेगा, एग्जैक्टली नाम किसको किस किस MLA से बात हुआ किससे बात किया वो पता नहीं मेरे। वो प्राइम ऑफिस दिख रहा है उसको, तो फोन उनको बोला तो मैं फ़ोन करता रहता हूँ करके, बट कितना लोग उसको पैसे दिया वो पता नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। वो जो चीटिंग करने वाला बंदा कुछ भी बोल सकता है, बट जितना इन्फॉर्मेशन हमारा पास है, वो एक्चुअली वो उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए वो MLA सबको बारंबार फ़ोन करके बोलता है मैं जेपी नड्डा के बंदा हूँ करके। तो उस मामले में क्या क्या चीज़ बताया क्या है वो तपास में निष्पन्न हो जाए। पूरा नाम मेरे को भी पता नहीं, नीरज करके नाम पता है, जस्ट आने के बाद पूरा डिटेल्स निकालेंगे। हाँ, एक बार पूरा इंट्रोगेशन में पता चलेगा। वो हमारा जो फ़ोन कॉल आया था, हमने डाउट आया कि ये गुजरात से फ़ोन आया करके, हमारा टीम रवाना हो गया था तुरंत आया, तो वो मिल भी गया है उधर, तो मोरबी गुजरात से हमने आरोपी को नोटिस से लेके आ रहे हैं। अभी उसका एविडेंस पूरा मिल गया तो हम उसको अरेस्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक से पैसे की मांग की गई है, उसने खुद को जेपी नड्डा का सहायक बताकर पैसे की मांग की। आखिरकार इस फर्जी निजी सहायक को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त मुमक्का सुदर्शन द्वारा की गई। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।